हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन आज जो हमारा टॉपिक है वेबिनार का वो है बिजी और फूड्स एंड बेवरेज इंडस्ट्री तो आइए समझते हैं कि बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को आप फूड्स एंड बेवरेज इंडस्ट्री में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर ट्रेडर हैं तो आइए समझते हैं किस तरीके से आप बिजी में इंप्लीमेंटेशन करेंगे फूड्स एंड बेवरेज इंडस्ट्री की सबसे पहले हम पीपीटी कवर करेंगे पीपीटी के माध्यम से समझेंगे कि आ, क्या क्या फीचर जो है अवेलेबल हैं बिजी सॉफ्टवेयर में आप क्या क्या फीचर इनेबल कर सकते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से कर सकते हैं और इसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे सॉफ्टवेयर के हेल्प से आपकी जो भी क्वेरीज होगी आप सेशन के एंड में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपकी सारी क्वेरीज जो है रिजोल्व करूंगा आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार बिजी फॉर फूड्स एंड वेवरेज इंडस्ट्री सबसे पहले डेफिनेशन तो बिजी बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज अस टी रेडी बिलिंग इनवेंट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इजीली एंड मैनेज योअर फूड एंड वेवरेज इंडस्ट्री फॉर मोस्ट पावरफुल इन्वेंट्री अकाउंटिंग एंड जीएसटी फीचर्स विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रैक इन्वेंट्री अकुरटली एंड जनरेट Of reports and GST effortlessly. तो देखिए बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो एक जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर है इसमें आप अपनी इन्वेंट्री अकाउंटिंग और अदर एक्टिविटीज मैनेज कर सकते हैं काफी स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंफिग्रेशन में मिल जाती है आपको और अगर आप बिजी को फूड्स एंड गेवरेज इंडस्ट्री में यूज करते हैं तो इससे रिलेटेड बहुत सारे फीचर जो है आप इनेबल कर सकते हैं और अपने डाटा को रिकॉर्ड करके रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ आपको हंड्रेड्स ऑफ रिपोर्ट मिलती हैं स्टैंडर्ड रिपोर्ट हो या फिर आप चाहें तो उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं तो कॉलना रिपोर्ट और कस्टम कॉलम रिपोर्ट भी आपको मिल जाती है जिसकी हेल्प से आप अपने रिपोर्ट खुद डिजाइन भी कर सकते हैं इसके साथ साथ बिजी सॉफ्टवेयर में आपको इन्वॉइस के भी दो फॉर्मेट मिल जाते हैं स्टैंडर्ड एंड एडवांस तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी आप इनवाइस को प्रिंट कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग फॉर्मेट को डिजाइन भी करवा सकते हैं तो ये सारे फीचर्स आपको बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मिलते हैं और आप फूड्स एंड बेवरेज इंडस्ट्री में बिजी को इजीली कन्फिगर कर पाते हैं बेनिफिट्स देखिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं फूड्स एंड बेवरेज इंडस्ट्री में तो जो पहला बेनिफिट है वो है प्लानिंग तो देखिए अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है सबसे पहले आपको प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल की स्टोरेज देखनी होती है कि आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं तभी तो आप स्टॉक जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं फिनिश uh, गुड को जनरेट uh, कर सकते हैं तो देखिए इसका एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं तो सबसे पहले क्या है कि प्लानिंग तो प्लानिंग में क्या है सपोज uh, आपको किसी कस्टमर से ऑर्डर मिला है कि इतने आइटम मुझे परचेज करने हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे प्रोडक्शन की प्लानिंग करेंगे प्लानिंग करने के लिए हमारे पास रिपोर्ट अवेलेबल है प्रोडक्शन प्लानिंग उसको आप व्यू कर सकते हैं इस रिपोर्ट में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि रॉ मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है आपके पास कितना अवेलेबल है और कितनी डेफिशिएंसी है और इसी रिपोर्ट से डायरेक्टली आप परचेज ऑर्डर भी जनरेट करके ईमेल कर सकते हैं अपने वेंडर को ताकि आप परचेज कर सकें जो डेफिशिएंसी शॉर्टेज है मटेरियल की इसके बाद प्रोडक्शन तो देखिए प्रोडक्शन आप इजीली मैनेज कर सकते हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आ, बिल ऑफ मटेरियल का ऑप्शन आपको मिल जाता है बिल ऑफ मटेरियल मास्टर में आप एक फॉर्मेट फिक्स कर सकते हैं कि एक फिनिश गुड को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उसमें आप आ, सारी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं फिल करने के बाद आपको सिर्फ प्रोडक्शन वाउचर में बिल ऑफ मटेरियल को सिलेक्ट करना है और अपनी क्वांटिटी को मैनुअली एंटर करना है जो फिनिश गुड की क्वांटिटी है और सारी इंफॉर्मेशन जो है आपकी ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगी इसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट जो हमें मिलता है वो है इन्वेंट्री अकाउंटिंग बिलिंग तो देखिए आप जानते ही हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप इन्वेंट्री इजीली मैनेज कर सकते हैं अकाउंटिंग और अपनी टेक्सटेशन को काफी इजी वे में मैनेज कर सकते हैं डाटा को रिकॉर्ड कर, कर सकते हैं करने करने कर तो अपनी रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं बिलिंग जनरेट करने के बाद अपनी जीएसटी की रिपोर्ट जीएसटी की रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं ई वे बिल ई इन आप डायरेक्टली बिजी से ही जनरेट कर सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल का बेनिफिट्स आपको मिल जाता है आप मटेरियल सेंटर बना सकते हैं क्वालिटी के लिए ताकि आपको पता लग जाए कि जितना भी आपका प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस हुआ है मैन्युफैक्चर हुआ है कितने क्वांटिटी जो है उसकी क्वालिटी क्या है तो उसको आप स्टॉक ट्रांसफर और मटेरियल सेंटर की हेल्प से इसको भी मैनेज कर सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल को इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट बेनिफिट सेल्स एंड प्रिक्योरमेंट तो देखिए बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपकी सेल्स ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर सकते हैं दो वाउचर आपको मिल जाते हैं स्टैंडर्ड एंड पॉइंट ऑफ सेल तो स्टैंडर्ड में आपको सारी डिटेल मैनुअली फिल करनी होती है पॉइंट ऑफ सेल में फील्ड को फिक्स कर सकते हैं है, और सिर्फ जो वेरिएबल फील्ड है उसी को आप ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग तो देखिए अगर अपना डाटा आप करेक्टली एंटर करते हैं डाटा को करेक्टली रिकॉर्ड करते हैं और रिपोर्ट आपकी करेक्टली व्यू होती है अगर आपका डाटा करेक्ट है डाटा राइट right है और इसके बाद अपनी डिसीजन आप बना सकते हैं स्ट्रैटेजी बना सकते हैं सेल्स की अपना कोई भी डिसीजन बिजनेस से रिलेटेड आपको लेना है तो आपको रिपोर्ट और डाटा को व्यू करके आप ले सकते हैं इजीली इसके बाद अगला बेनिफिट मिलता है कस्टमर सर्विसेज तो देखिए अगर आपकी रिपोर्ट्स करेक्टली जनरेट होती हैं तो आप कस्टमर सर्विस को बेटर तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं उनकी क्वालिटी जो है बेटर कर सकते हैं तो कस्टमर सर्विसेज का बेनिफिट भी आपको मिल जाता है इसके साथ साथ कंप्लाइंस एंड रेगुलेशन तो आप जानते हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप जीएसटी अपना वैट इजीली मैनेज कर पाते हैं और कम्प्लाइंस और रेगुलेशन की सारी रिपोर्ट्स आपको अवेलेबल होती है सॉफ्टवेयर के अंदर तो आपको अलग से कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती सॉफ्टवेयर के अंदर ही आपको सारी रिपोर्ट मिल जाती है रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं चाहे वो टी की हो चाहे टी की हो चाहे आपकी जीएसटी की हो चाहे वैट की हो और इसके अलावा आप ई वे बिल ई इन वो जो जीएसटी में है एप्लीकेबल है उसको आप डायरेक्टली बिजी से ही जनरेट कर सकते हैं बिजी से ही प्रिंट कर सकते हैं आपको पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं होती तो कंप्लायसेज और रेगुलेशन भी आप इजीली मैनेज कर सकते हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर इसके बाद फीचर्स देखिए क्या क्या मिलते हैं आपको तो फीचर्स सबसे पहले अगर आप फूड्स एंड मैन्यक्चर फूड्स एंड वेवरेज इंडस्ट्री में बिजी को यूज कर रहे हैं और आप मैन्युफैक्चर हैं या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं ट्रेडर हैं किसी ऐसे आइटम के जो फूड्स एंड वेवरेज इंडस्ट्री का है तो उसके लिए देखिए आप बैच वाइज स्टॉक डिटेल फीचर जो है आपको मिलता है इस फीचर को आप इनेबल कर सकते हैं और इस फीचर को इनेबल करने के बाद आपको बैच रेफरेंस की डिटेल की रिपोर्ट्स मिल जाएगी और आप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को अपनी मैनेज कर पाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी फूड के आइटम होते हैं वेज आइटम होते हैं उनमें उनकी सेल्फ लाइफ होती है कि कुछ टाइम पीरियड बाद जो आपका प्रोडक्ट है वो एक्सपायर होता है जैसे कि मिल्क है आप जानते हैं मिल्क को आप तीन या चार दिन ही स्टोर कर सकते हैं तीन या चार दिन की ही उसकी शेल्फ लाइफ होती है इसके बाद वो खराब हो जाता है इसी के साथ साथ जैसे और भी कोई आइटम का एग्जाम्पल जैसे ऑयल का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ऑयल की भी जो शेल्फ लाइफ होती है वो नाइन मंथ्स टू ट्वेल्व मंथ्स होती है तो एक साल बाद अगर आप उसी ऑयल को यूज करेंगे तो ऑयल जो है खराब हो चुका होता है तो उसकी शेल्फ लाइफ जो खत्म हो जाती है तो ये सारी डिटेल आप बैच वाइज स्टॉक मैनेजमेंट में मैनेज कर सकते हैं ये फीचर्स आपको बिजी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है इसके साथ साथ फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन बाउचर आपको मिल जाता है देखिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करें और अपनी स्टॉक को रिकॉर्ड करें इन्वेंट्री की जो ट्रांजेक्शन को करें बट फिर भी आपकी जो फिजिकल स्टॉक है और आपकी सॉफ्टवेयर की स्टॉक है उनमें मिसमैच आना तय है क्योंकि फिजिकली स्टॉक जो है आपकी वो चेंज हो सकती है वो डैमेज हो सकती है या फिर लॉस्ट हो सकती है जैसे कि आप किरियाना स्टोर्स वगैरह आप जानते हैं उनमें कई चीजें खराब हो जाती हैं या फिर उसको माउस वगैरह खा लेते हैं तो कुछ पता ही नहीं लगता स्टॉक का तो स्टॉक जो है आपकी वो मिसमैच हो, हो सकती है पॉसिबली है ये पॉसिबल है कि आपकी बुक्स में जो रिकॉर्डेड स्टॉक है और आपकी फिजिकली स्टॉक है वो मिसमैच हो जाए तो बिजी सॉफ्टवेयर में आपको फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन का वाउचर मिल जाता है इस वाउचर की हेल्प से आप अपने स्टॉक को एडजस्ट कर सकते हैं अब देखिए इसमें आप स्टॉक काउंट करके एंटर करेंगे और आपकी जो स्टॉक है वो मैच हो जाएगी आपकी बुक के साथ तो फिजिकली आपको हो जाता है बीजी के अंदर इसके साथ साथ स्टेज से यहां पर मतलब है बिल ऑफ मटेरियल बिल ऑफ मटेरियल एक ऐसा मास्टर है जहां पर आप अपने प्रोडक्शन की फॉर्मेट को फिक्स कर सकते हैं कि एक फिनिश गुड बनाने के लिए आपको कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको बिल ऑफ मटेरियल का मास्टर बनाना होता है और ये आप मल्टीपल स्टेजेस में भी बना सकते हैं मल्टीपल मटेरियल सेंटर भी बना सकते हैं एक फाइनल प्रोडक्ट को जनरेट करने के लिए जैसे कि इसका फाइनल्पल लेते हैं तो सपोज आपका सब, एक फूड का आइटम ले लेते हैं जैसे कि कुकिंग ऑयल कुकिंग ऑयल में आपको पता है कि आ, जैसे मस्टर्ड ऑयल है मस्टर्ड ऑयल में आपका रॉ मटेरियल क्या होगा तो मस्टर्ड के सीड्स होंगे और सरसों का तेल जिसको बोलते हैं जो सरसों के जो दाने होते हैं सरसों के सीड्स होते हैं बीज होते हैं उनको पीस के सरसों का तेल बनता है और उसके बाद आप उसकी पैकेजिंग करते हो वन लीटर की बोतल में टीन्स में फाइव लीटर की कंटेनर में या फिर आप हाफ लीटर की जो बोतल होती है उसमें आप उसकी पैकेजिंग करते हो तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपका देखिए आप स्टेज में बन रहा है ठीक है एक स्टेज में आपका तेल जो है मैन्युफैक्चर हुआ प्रोड्यूस हुआ इसके बाद आपने उसकी पैकेजिंग करी तो दूसरा स्टेप क्या हुआ आपका पैकेजिंग का तो मल्टीपल स्टेप्स देखिए आपके फॉलो हो रहे हैं एक प्रोडक्शन को कंप्लीट होने में एक फाइनल प्रोडक्ट को बनने में तो प्रोडक्शन में आप स्टेज वाइज व्यू बना सकते हैं और आप रिपोर्ट भी व्यू कर सकते हैं कि इतनी स्टेजेस में क्या क्या काम हुआ है इसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी मैनेजमेंट तो देखिए फूड रिलेटेड जो आइटम होते हैं उसमें आपकी एक्सपायरी डेट आपको मैनेज करनी होती है क्योंकि जो फूड के आइटम होते हैं वो कभी ना कभी खराब जरूर होते हैं उनकी शेल्फ लाइफ होती है तो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपको बैच वाइज स्टॉक मैनेजमेंट मिल जाता है जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी मैनेज कर सकते हैं एक्सपायर मटेरियल को देख भी सकते हैं उसकी रिपोर्ट भी अलग मिल जाती है आपको और इसकी सारी रिपोर्ट्स आपको अवेलेबल होती हैं डाटा को मैनेज कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी के

पैकिंग करोगे उसकी जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है तो एक लीटर की बोतल अलग होगी हाफ लीटर की बोतल अलग होगी दोनों आइटम अलग अलग हैं आइटम एक है बट दोनों को आप सेल अलग अलग करोगे दोनों का सेल प्राइस अलग होगा क्वांटिटी यूनिट भी अलग हो जाएगी दोनों की तो इस तरीके से आप उनको मैनेज कर सकते हैं और अनपैक्ड फूड अगर अनपैकिंग भी आपको करनी है तो अनऐसेबल वाउचर भी बिजी आपको दे देता है जिससे आप अनपैक्ड भी कर सकते हो इसके साथ साथ Raw consumption आपको मिल जाता है है जिससे आप आप को analyze कर सकते सकते हैं हैं उसका consumption कितना हो रहा है। ये सारी आप देख सकते हैं के अंदर इसके बाद वेयर हाउस मैनेजमेंट तो देखिए बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप मल्टीपल वेयर हाउसेज बना सकते हैं मटेरियल सेंटर मास्टर के अंदर और उनकी रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं रिपोर्ट आप कॉलम रिपोर्ट डिजाइन भी कर सकते हैं इसके साथ साथ प्रोडक्शन प्लानिंग मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन प्लानिंग रिपोर्ट आपको मिल जाती है जिसमें आप डेफिशिएंसी देख सकते हैं अपनी शॉर्टेज देख सकते हैं रॉ मटेरियल की कि सपोज आपके पास कोई ऑर्डर आया है कस्टमर से और आपको फिनिश गुड को जनरेट करना है इसके लिए कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है कितनी रॉ मटेरियल की क्वान्टिटी रिक्वायर्ड है कितनी अवेलेबल है और कितनी डेफिशियंसी है शॉर्टेज कितनी है और शॉर्टेज के बिहाफ पर आप ऑर्डर जो है डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं इसी रिपोर्ट से तो काफी यूजफुल रिपोर्ट है अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो इसके साथ साथ बार कोड प्रिंटिंग आपको मिल जाती है तो जैसा कि आप जानते हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप बार को डिजाइन भी कर सकते हैं और अपने आप स्कैन करके उसको बिलिंग भी कर सकते हैं तो बार कोड को स्कैन करेंगे आपका बिल भी रेडी हो जाएगा और आप बार कोड जनरेट करके उसकी प्रिंटिंग भी बिजी सॉफ्टवेयर से करवा सकते हैं और इसका कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना है तो जो बार कोड लेबल है आप इजीली डिजाइन कर सकते हैं प्रिंट कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर से ही इसके साथ साथ वार्निंग अलार्म का फीचर आपको मिल जाता है जिसमें आप वार्निंग कन्फिगर कर सकते हैं इसके लिए देखिए इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सपोज आपका कैश जो है नेगेटिव जा रहा है स्टॉक आपकी नेगेटिव जा रहा है तो आप वार्निंग सेट कर सकते हैं तो वार्निंग सेट करने के बाद जैसी आपकी कंडीशन जो है अप्लाई होगी ट्रांजेक्शन के टाइम पे तो आपकी वार्निंग शो हो जाएगी कि आपका जो सर आपका कैश जो है नेगेटिव जा रहा है और आपकी स्टॉक जो है नेगेटिव जा रही है तो आप जो बिल है स्टॉप कर दो ट्रांजेक्शन को स्टॉप कर दो तो वार्निंग अलार्म भी काफी अच्छा फीचर है है जो आपको मिलता है बिजी सॉफ्टवेयर में इसके साथ साथ वाउचर अप्रूवल सिस्टम फीचर आपको मिल जाता है तो जैसा कि आप जानते हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में दो तरीके के यूजर होते हैं सुपर यूजर एंड सब यूजर सुपर यूजर क्या है कि सब यूजर के राइट्स को प्रोवाइड करता है कंफिगर करता है और अप्रूवल कन्फिगर कर सकते हैं अप्रूवल कन्फिगर करने के बाद आप जो वाउचर अप्रूव करेंगे तभी वो प्रिंट होगा या पोस्ट होगा तो ये कन्फिग्रेशन भी आप कर सकते हैं वाउचर अप्रूवल सिस्टम बट ये फीचर आपका सिर्फ एंटरप्राइज में अवेलेबल है स्टैंडर्ड और बेसिक में अवेलेबल नहीं है इसके साथ यूजर राइट्स मैंने आपको बताया तो जो सुपर यूजर है वो सब यूजर्स को राइट प्रोवाइड कर सकता है उनकी रोल के अकॉर्डिंग कि जैसे मेरा कोई एक अमन यूजर है वो सिर्फ सेल्स करेगा और जो रोहित यूजर है वो सिर्फ प्रोडक्शन की एंट्री करेगा और पवन है वो सिर्फ खाली वेयर हाउस से संभालेगा तो सारे रोल्स जो है मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ राइट प्रोवाइड कर सकता हूँ उतनी ही लिमिट जो है उनके पास रहेगी और वो उतना ही काम कर पाएंगे कंपनी के अंदर नोटिफिकेशन आप सेंड कर सकते हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से तो देखिए नोटिफिकेशन आप डायरेक्टली बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से सेंड कर सकते हैं चाहे वो एसएमएस हो या फिर ईमेल हो या फिर व्हाट्सएप हो या फिर बीएनएस ऐप पर आपको सेंड करनी हो आप डायरेक्टली बिजी सॉफ्टवेयर से ही सेंड कर सकते हैं चाहे पार्टी को या फिर आप खुद को भी करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है तो कोई भी रिपोर्ट कोई भी डॉक्यूमेंट आप इजीली शेयर कर सकते हैं सेंड कर सकते हैं नोटिफिकेशन के रूप में अपनी पार्टीज को और खुद को भी इसके बाद आती है हमारी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट की तो देखिए बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आ, अगर आप फूड्स एंड वेवरेज इंडस्ट्री को इम्प्लीमेंट करते हैं इनके डाटा को इम्प्लीमेंट करते हैं तो सबसे पहले आपको इंप्लीमेंटेशन क्या करनी होगी तो देखिए सबसे पहले कंपनी क्रिएट करनी होगी सबसे पहले आप कंपनी क्रिएट करेंगे और करेक्ट डिटेल के साथ आपको कंपनी क्रिएट करनी है चाहे उसका एड्रेस हो कंपनी का चाहे जीएसटी की डिटेल्स हो एड्रेस हो या फिर ईमेल आई डी हो टेलीफोन नंबर हो सारे डिटेल जो है आप करेक्टली फिल करके अपनी कंपनी को क्रिएट कर लेंगे इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा आपका कन्फिग्रेशन पार्ट तो जैसे ही आपकी कंपनी क्रिएट हो जाती है उसके बाद आपको कन्फिग्रेशन करनी होती है कन्फिग्रेशन में आपको क्या करना होता है तो जो भी आपके रिक्वायर्ड फीचर्स हैं वो आपको इनेबल करने होते हैं उसको आप इनेबल करते हैं उनकी कन्फिग्रेशन सेट करते हैं और अपने काम को स्टार्ट करते हैं आप देखिए कन्फिग्रेशन करने के बाद आपको मास्टर क्रिएट करने होते हैं अब मास्टर में आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं तो मास्टर में आप आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं अपने रॉ मटेरियल हो गए या फिर फिनिश गुड हो गया हो गया सेमी फिनिश गुड हो हो इसके साथ साथ आपकी पार्टीज गए आपके एक्सपेंसिज हो गए और यूनिट्स हैं बिल ऑफ मटेरियल है ये सारे आपके मास्टर्स होते हैं जिनसे आपको काम करना होता है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आपको मास्टर की जरूरत होती है तो आप ये क्रिएट कर लेंगे कन्फिग्रेशन करने के बाद इसके बाद जैसे ही आपकी कन्फिग्रेशन हो जाती है मास्टर्स आपके क्रिएट हो जाते हैं तो आप अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं तो अपने डाटा को रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन अपनी एंटर करेंगे वाउचर्स के अंदर चाहे वो प्रोडक्शन वाउचर हो या परचेज ट्रांजेक्शन हो या सेल ट्रांजेक्शन हो और इसके बाद इसकी प्रिंटिंग करेंगे तो जैसे आपने सेल ट्रांजेक्शन कंप्लीट की आप उसका टैक्स इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं रिटेल इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं और लास्ट में जो है आपकी रिपोर्ट्स तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद आपकी रिपोर्ट जो है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है उनको आप व्यू कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग देखिए मास्टर्स की विंडो आपके सामने शो हो रही है तो ये मास्टर की विंडो है जिसमें आप बैच वाइज ऑप्शन देख रहे हैं तो ये आइटम मास्टर है आइटम मास्टर जब आप ऐड करते हैं फूड का तो आपको बैच वाइज ऑप्शन को यहाँ आइटम मास्टर के अंदर भी इनेबल करना होता है क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब आइटम के लिए आपको बैच वाइज डिटेल मेंटेन करनी हो तो आप आइटम के अंदर भी इसको इनेबल करेंगे जिस आइटम में आपको मेंटेन करनी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट बैच रेफरेंस डिटेल इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन की इमेजेस हैं परचेज की और सेल्स की तो जो बैच वाइज डिटेल होती है आपकी जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डिटेल अपनी मैनेज करते हैं तो परचेज के टाइम पे वो डिटेल आपको मैनुअली एंटर करनी होती है और सेल्स के टाइम आप वो एडजस्ट कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से बैचेस जो है अवेलेबल हैं और आपको सिर्फ एडजस्ट करना है सेल्स के टाइम पे और आपकी ट्रांजेक्शन जो है कंप्लीट हो जाती है इसके बाद देखिए जैसे आपकी सेल्स ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है आप इनवॉइस की प्रिंटिंग कर सकते हैं बैच डिटेल्स को प्रिंट कर सकते हैं आप कॉलम देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर इमेज में इसके बाद रिपोर्ट्स तो देखिए कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो है आपके काम की हैं अगर आप फूड्स एंड बेवरेज इंडस्ट्री में बिजी को यूज कर रहे हैं तो बैच वाइज स्टॉक रिपोर्ट्स देखिए मैन्युफैक्चरिंग डिटेल और एक्सपायर डिटेल आपको देखनी होती है तो बैच वाइज स्टॉक रिपोर्ट में आपको ये डिटेल्स मिल जाती है बहुत सारी रिपोर्ट अवेलेबल है बैच वाइज में इसके बाद एम रिपोर्ट आपको मिलती है जिसमें आप अपनी कैश स्टेटमेंट कैश फंड स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट ये सारी रिपोर्ट जो है एम आई एस में मिसलिनियस रिपोर्ट अपनी देख सकते हैं इसके बाद सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट आपको मिल जाती है सॉफ्टवेयर के अंदर आप देखिए सेल्स एनालिसिस में आप क्वार्टरली मंथली और एनुअली रिपोर्ट अपनी देख सकते हैं डेट को फिल्टर करके भी रिपोर्ट देख सकते हैं और ग्राफिकली रिपोर्ट जो है वो भी अवेलेबल होती है सेल्स एनालिसिस में इन्वेंट्री समरी और इन्वेंट्री बुक्स तो देखिए आइटम से रिलेटेड ये रिपोर्ट है और एक रिपोर्ट और है स्टॉक समरी तो स्टॉक समरी इन्वेंट्री बुक्स और इन्वेंट्री समरी ये सारी रिपोर्ट आप देख सकते हैं जिससे आपको ये पता लगेगा कि आइटम की क्वांटिटी इन कितनी है आउट कितनी है और स्टॉक अवेलेबल कितना है वेयर हाउसेज में इसके बाद आती है अकाउंट बुक्स तो अकाउंट बुक्स में आप सेल्स के परचेज के और अपने जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के रजिस्टर हैं उनको व्यू कर सकते हैं और अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स आपको अवेलेबल हो जाती है इसके बाद आता है फाइनल रिजल्ट एंड ट्रायल बैलेंस तो देखिए फाइनल रिपोर्ट क्या होती है आपकी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस तो ये भी आपके ऑटोमेटिकली बन जाती है जैसे आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और आप इनको व्यू कर सकते हैं और लास्ट में हमारी है जीएसटी रिपोर्ट एंड ई रिटर्न तो जब आप ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं एक मंथ की या क्वार्टर की इसके बाद आपको जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी होती है तो ये भी बिजी में इजीली अवेलेबल है आप डायरेक्टली रिटर्न को जनरेट कर सकते हैं तो ये थी हमारी पीपीटी जिसमें हमने ये सीखा किस तरीके से आप बिजी को फूड्स एंड बेवरेज इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं आइए देखते हैं प्रैक्टिकल कि बिजी में आप इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे तो सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूं तो मेरा बिजी जो है ओपन हो रहा है आप देखिए बिजी यहां पर ओपन हो चुका है और दो कंपनी मैंने यहां पर बना ली है एक मेरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और एक मेरी ऑयल कॉर्पोरेशन जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो दोनों कंपनी में मैं आपको दिखाऊंगा इसमें मैंने एग्जाम्पल जो लिया है वो ऑयल का लिया है ऑयल भी देखिए एक फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट है तो कुकिंग ऑयल जो होता है जैसे मस्टर्ड ऑयल है कोकोनट ऑयल है पीनट ऑयल है तो ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग और ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको ये एग्जांपल में करके दिखाऊंगा तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनी है उसको ओपन कर लेते हैं तो ये मेरी कंपनी है जिसमें मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाऊंगा फूड प्रोसेसिंग की तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कंपनी क्रिएट करनी है अब कंपनी मेरी क्रिएट हो चुकी है इसके बाद मुझे क्या करना होता है तो इसके बाद मुझे कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है अब कन्फिग्रेशन आप किस तरीके से करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे और कंफिग्रेशन पे एंटर करेंगे और फीचर ऑप्शन पे एंटर करेंगे जैसे आप फीचर ऑप्शन पे एंटर करते हैं आपके सामने विंडो ओपन हो जाती है फीचर ऑप्शन की यहां पर आपको इन्वेंट्री टैब पे जाना है और देखिए इन्वेंट्री की विंडो आपके सामने ओपन हो चुकी है कुछ फीचर्स जो है आपको यहाँ पर इनेबल करने होते हैं जैसे कि पैकिंग यूनिट और अल्टरनेट यूनिट फूड प्रोसेसिंग जो बिजनेस होते हैं उसमें एक से ज्यादा यूनिट हो सकती है मल्टीपल यूनिट हो सकती है जैसे कि अगर ऑयल का एग्जांपल लें तो ऑयल में आपको पता है कि ऑयल जो है आपका लीटर में भी आता है और उसकी जो यूनिट है वो लीटर में भी होती है और बॉटल में भी होती है और उसको कंटेनर में भी बोल सकते हैं और करटे में भी आता है अगर आप होल सेलिंग में परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो आपको करटेन्स जो होते हैं उनमें एक करटे में बारह बोतल या चौबीस बोतल इस तरीके से होती है तो उनको भी आप सेल कर सकते हो तो मल्टीपल यूनिट्स आपको मैनेज करनी होती है फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में तो पैकिंग यूनिट और अल्टरनेट यूनिट दोनों ऑप्शन को आप इनेबल कर लेंगे इसके बाद मल्टी गोडाउन तो देखिए अगर आप मल्टीपल मटेरियल सेंटर मैनेज करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को भी इनेबल कर सकते हैं मल्टी गोडाउन इन्वेंट्री इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग फीचर तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग फीचर को इनेबल करना है अगर आप मैन्युफेक्चर नहीं है तो आप इस फीचर को डिजेबल भी कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट ये फीचर जो है इनेबल रहता है इसके बाद देखिए ऑर्डर अगर आपको मैनेज करना है अगर आप होलसेलिंग में काम करते हैं तो आपको ऑर्डर भी मैनेज करने होते हैं कि कस्टमर जो है आपको मैंने ऑर्डर देता है कि सर मुझे इतना माल खरीदना है आपसे है ना तो आप ऑर्डर को कंप्लीट करते हो कि इतना माल आपके पास अवेलेबल है भी या नहीं या फिर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो क्या पता आप ऑर्डर से ही जनरेट करते हो कि जितना ऑर्डर मेरे पास आ जाएगा उतना ही मैं माल जो है प्रोड्यूस करूंगा मैन्युफैक्चर करूंगा तो आप ऑर्डर को भी इनेबल कर सकते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग फीचर जो है इसको भी इनेबल कर सकते हैं जैसे आप इस फीचर को इनेबल करेंगे ट्रांजेक्शन में आपके सेल परचेज ऑर्डर दोनों वाउचर जो है ओपन हो जाएंगे और आप उनको रिकॉर्ड कर पाएंगे इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर बैच वाइज डिटेल ये फीचर को आपको इनेबल करना है अगर आपको अपने आइटम में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डिटेल मैनेज करनी है तो ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है इस फीचर को आपको जरूर इनेबल करना है तो इस फीचर को जैसे ही आप इनेबल करेंगे इनेबल करने के बाद कन्फिगर का बटन आपके सामने शो होगा इस पर आप क्लिक करेंगे अब देखिए बैच की आपको जो कन्फिग्रेशन यहाँ पर करनी होती है तो सबसे पहले आपको जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसका इनपुट फॉर्मेट क्या रखना है आपको सिर्फ मंथ और ईयर एंटर करना है या फिर पूरी जो फुल डेट है वो एंटर करनी है तो एग्जाम्पल आपके सामने शो रखा है देखिए तो अगर आप फुल डेट सिलेक्ट करते हैं तो पूरी डेट आएगी और आप मंथ और ईयर सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ मंथ और ईयर जो है वहां पर आएगा ट्रांजेक्शन के टाइम पे नॉट रिक्वायर्ड करते हैं तो आपके पास जो है मैन्युफैक्चरिंग की जो डिटेल है आपको एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा ट्रांजेक्शन के सामने इसके बाद सेम एज इट इज एक्सपायरी के लिए भी आप करेंगे एक्सपायरी की जो डेट है आप किस फॉर्मेट में मैनेज करना चाहते हैं इसके बाद अलाउ इशू ऑफ एक्सपायर बैचेस तो देखिए अगर आप आपका जो आइटम है एक्सपायर हो चुका है एक्सपायरी डेट जो है उसकी निकल चुकी है तो आप उसको बेचना चाहते हैं या नहीं तो अलाउ विथ वार्निंग डोंट अलाउ और अलाउ ये आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं एक्शन जो भी चाहते हैं इसके बाद वार्निंग देखिए जब आपका मटेरियल एक्सपायर हो रहा है तो जब भी आप ट्रांजेक्शन करें आपको एक वार्निंग आ जाए कि ये आपका माल जो एक्सपायर होने वाला है आपको इसको जल्दी सेल कर दो जो एक्सपायर होने वाला है उसको पहले बेचो तो उसकी वार्निंग भी आप यहाँ पर सेट कर सकते कितने दिन पहले वार्निंग आनी चाहिए तो एक मेंगे, दो महीने आप यहाँ पर सेट कर सकते हो डेज बता सकते हो जाएगी। इसके बाद नेगेटिव स्टॉक आपको अलाउ करनी है नहीं तो देखिए नेगेटिव स्टॉक आपको अलाउ करनी है उसके एक्शन आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं अलाउ डोंट अलाउ और अलाउ विथ वार्निंग इसके साथ साथ डिसअलाउ करनी है फाइनेंशियल ईयर में नहीं तो इसको आप कर सकते हैं जीरो स्टॉक आपको दिखानी है दिखानी ये सारे ऑप्शन है होते हैं तो ये सारे ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग और इसको ओके okay करके सेव करेंगे तो आपका कंफिग्रेशन जो पार्ट है इन्वेंट्री से रिलेटेड ये ओवर तो हो जाएगा इसके बाद जो आपका बार कोड है अगर आप बार कोड भी प्रिंट करना चाहते हैं तो आप ऑन में जाके उसको डिजाइन कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहले ऑन जो है लास्ट में हेडिंग है एंटर करेंगे यहाँ पर आप बार कोड की डिजाइन जो है कन्फिगर कर सकते हैं किस तरीके से बार कोड आपका प्रिंट होना चाहिए तो कन्फिगर बार कोड लेबल पे जाएंगे और यहाँ पर एड फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे अपने फॉर्मेट का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे और नाम एंटर करने के बाद फॉर्मेट आपका क्रिएट हो जाएगा अब इसकी कन्फिगरेशन आपको करनी है तो कन्फिगर फॉर्मेट पे क्लिक करना होगा यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स जो है एंटर करनी होगी जैसे कि बारकोड टाइप आपको क्या रखना है बैच नंबर रखना है आइटम का एलियाज रखना है या फिर आइटम प्लस बैच नंबर रखना है तो यहाँ पर आप टाइप सेलेक्ट करेंगे इसके बाद जो आपकी शीट है वो आपकी कस्टम शीट है या प्री डिफाइंड है आप याँप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे स्केल मोड बताएंगे अपना इंचज या मिलीमीटर इसके बाद प्रिंटर कौन सा है आपका जिससे बारकोड प्रिंट होना चाहिए कट शीट है पेपर आपका या रोल है सिलेक्ट कर सकते हैं एक रॉ में कितने लेबल्स हैं और एक पेज में कितने रॉस ये आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी टॉप मार्जिन आप बताएंगे लेफ्ट मार्जिन बताएंगे और हाइट और बताएंगे लेबल की गैप बताएंगे ऑरिजेंटल वर्टिकल गैप कितना है कंफिगर लेबल बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए यहां आप डिजाइन कर सकते हैं अपने बार लेबल को तो ये बाई डिफॉल्ट डिजाइन हो जाता है अगर आप बैच नंबर सेलेक्ट करते हैं बाकी इसकी जो कन्फिगरेशन आपको चेंज करनी है फील्ड एड करनी है रिमूव करनी है तो आप कर सकते हैं जैसे कि अगर आपको कंपनी नेम जो है ये हटाना है तो आप सिलेक्ट करेंगे फील्ड और डिलीट बटन कर देंगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा इसके साथ साथ कंपनी नेम की जगह आपको कोई और

सेव करेंगे लेबल को और देखिए आपका जो बार कोड लेबल है डिजाइन हो चुका है अब आप इसकी प्रिंटिंग करवा सकते हैं अब जो नेक्स्ट कन्फिग्रेशन आपको करनी है कि अगर आप चाहते हैं जैसे ही मेरा प्रोडक्शन जो है कंप्लीट हो प्रोडक्शन की ट्रांजेक्शन मेरी क्रिएट हो वैसे ही मेरे बार कोड भी प्रिंट होने चाहिए बार कोड लेबल भी प्रिंट होने चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे कन्फिग्रेशन वाउचर सीरीज कन्फिग्रेशन और यहाँ प्रोडक्शन में कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे प्रिंट बारकोड आफ्टर सेविंग तो जैसे आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं प्रोडक्शन की एंट्री जब आप रिकॉर्ड करेंगे आपसे ऑप्शन पूछेगा बिजी कि आपको रिकॉर्ड जो आपने आ, जितनी भी आइटम जो है जनरेट की हैं उनका बारकोड आपको प्रिंट करना है या नहीं सेव कर देंगे अब देखिए कन्फिग्रेशन पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है इसके बाद आपको मास्टर क्रिएट करना है अब मास्टर में आपको सबसे पहले आइटम क्रिएट करने होंगे तो आप मास्टर्स पे जाएंगे और देखिए कुछ आइटम्स मैंने क्रिएट किए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ लिस्ट तो यहां आप देख सकते हैं मैंने चार आइटम ग्रुप बनाए हैं फिनिश गुड्स शेमी फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल्स एंड वेस्ट मटेरियल्स तो रॉ मटेरियल वो हैं जो हमारे कंज्यूम होने वाले गुड्स हैं तो देखिए अगर मैं मस्टर्ड ऑयल मैन्युफैक्चरर हूँ उसका मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो मुझे क्या क्या रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा तो जो सरसों का तेल बनता है वो सरसों के बीज से बनता है सरसों के जो दाने होते हैं ब्लैक या फिर येलो होते हैं उनसे बनता है तो मस्टर्ड सीड्स हम उनको कहते हैं तो मस्टर्ड सीड्स ये मेरा रॉ मटेरियल है इसके साथ साथ जो मुझे पैकेजिंग करनी है पैकेजिंग करने के लिए मुझे एमपिटी बोटल भी चाहिए तो वो भी मेरा एक तरीके से रॉ मटेरियल है तो पैकेजिंग करने के लिए पैकिंग जो करनी है मुझे वन लीटर की करनी है टू लीटर की करनी है या फिर हाफ लीटर की करनी है उसकी मैं यहाँ पर आइटम क्रिएट कर लूंगा एज रॉ मटेरियल तो ये मेरी एमपिटी बोटल के आइटम है प्लास्टिक बोटल वन थाउजेंड एम एल इनको मैं आपको व्यू करके दिखाता हूँ देखिए ये मेरा आइटम मास्टर है जो मेरा रॉ मटेरियल है तो मास्टर सीज नाम मैंने पर एंटर कर दिया ग्रुप बताया रॉ मटेरियल मेन यूनिट होगी इसमें के जी फैक्टर मैंने बता दिया क्योंकि मैंने मल्टीपल यूनिट जो है ऑप्शन इनेबल कर लिया था तो एक किलो में हजार ग्राम्स होते हैं आप है आपको इसके बाद जीएसटी की इन्फॉर्मेशन रखेंगे आप कि जीएसटी कितना एप्लीकेबल होता है इसपे एच एस कोड आप बताएंगे रेट बता देंगे सेल का परचेज का के में मेन यूनिट में इसके बाद पैकिंग यूनिट जो सबसे बड़ी यूनिट है जिसमें आप इसको खरीदते हो तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप सबसे बड़ी यूनिट में ही इसको खरीदोगे तो उसको आप बैग्स बोल सकते हो या फिर नॉर्थ इंडिया में इसको बोरा भी बोलते हैं कट्टा भी बोलते हैं तो आप जो भी नाम रखना चाहते हैं जो भी कैप्शन आप चाहते हैं उस कैप्शन के साथ यहाँ पर आप पैकेजिंग यूनिट जो सबसे बड़ी यूनिट है उसको क्रिएट कर सकते हैं और उसमें आप बताएंगे कि एक बैग में या फिर एक बोरे में या कट्टे में आपके कितने किलो जो है मस्टर्ड सीड्स आते हैं तो ये भी फिक्स रहता है यहां पर आप बता सकते हैं कन्वर्जन फैक्टर वन थाउजेंड इसके बाद जो आपके एम्पटी बोतल है खाली बोतलें हैं उनके आइटम आप क्रिएट कर लेंगे क्योंकि उनमें आपको फिलिंग करनी है उसके बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है रेडी होगा तो आप जो प्लास्टिक बोतल है एक लीटर की दो लीटर की और हाफ लीटर की आप इस तरीके से बना सकते हैं ये थे मेरे रॉ मटेरियल इसके बाद आता है मेरा सेमी फिनिश गुड तो देखिए अगर आप सरसों के तेल के मैन्युफैक्चरर हैं और लास्ट में जो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है वो आपकी बोतल के साथ जो पैकेजिंग आप कर लेते हैं चाहे वो एक लीटर में हो चाहे दो लीटर में हो चाहे हाफ लीटर हो चाहे पांच लीटर का कंटेनर हो तो वो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है उससे पहले जो आपकी प्रोसेस होती है वो क्या होती है सेमी फिनिश गुड़ की तो रॉ मटेरियल से आप क्या करते हैं सेमी फिनिश गुड बनाते हैं तो सेमी फिनिश गुड इसमें क्या होगा तो देखिए चाहे आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है एक लीटर की बोतल हो चाहे दो लीटर की बोतल हो चाहे आपके आधे लीटर की बोतल हो तेल की बट आपका जो सेमी फिनिश गुड क्या होगा मस्टर्ड ऑयल तेल तो सब में फिलिंग करोगे आप तो उसके लिए आप मस्टर्ड ऑयल जो है आपका सेमी फिनिश गुड आपको जनरेट करना होगा तो ये मेरा सेमी फिनिश गुड है इसको मैंने सेमी फिनिश गुड ग्रुप के अंडर में रख लिया है और मस्टर्ड ऑयल नाम है लीटर मैंने बता दिया इसकी मेन यूनिट और अल्टरनेट यूनिट मैंने एम बता दिए मिली लीटर और यहां पर आप उसका कन्वर्जन फैक्टर डालेंगे और जीएसटी इंफॉर्मेशन के बाद आप इस देखिए इस इस आइटम मास्टर में आपको बैच वाइज डिटेल जो है ऑप्शन को भी इनेबल करना होगा क्योंकि जब भी आप तेल जो है प्रोड्यूस कर लेंगे जनरेट कर लेंगे जो उसकी क्वांटिटी है आप देखिए जब आपने जो तेल है बीज पीस के आपने तेल बना लिया तेल जनरेट कर लिया प्रोड्यूस कर लिया तो उसकी शेल्फ लाइफ जो है उसी दिन से आपके काउंट होनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं तो सपोज अगर नौ महीने या फिर बारह महीने तेल जो है आपका रहता है ठीक रहता है और उसके बाद फिर वो एक्सपायर हो जाता है तो आप जो है बैच वाइज डिटेल ऑप्शन इसमें इनेबल करेंगे इसके साथ साथ आपको जो है इस ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डिटेल मैनेज करनी है नहीं या फिर बोथ करनी है एक ही करनी है एक्सपायरी या मैन्युफैक्चरिंग करनी है आप यहाँ पर बता सकते हैं इसके बाद एक्सपायरी मंथ बताएंगे कि जब भी आप प्रोडक्शन करते हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट के कैलकुलेट करने के बाद जो एक्सपायरी डेट है आपकी कैसे कैलकुलेट होनी चाहिए कितने दिन बनानी चाहिए तो मंथ में आप बताएंगे यहाँ पे नाइन मंथ्स मैंने बता दिया है सेव कर लेंगे आइटम मास्टर को अब देखिए आपका जो सेमी फिनिश गुड है वो भी यहाँ पर बन चुका है इसके बाद हमारा लास्ट जो होता है वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो फाइनल प्रोडक्ट जो है मेरा वो है मस्टर्ड कुकिंग ऑयल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं और जो ग्रुप है इसका वो है फिनिश गुड्स मेन यूनिट है बॉटल्स अल्टरनेट यूनिट है लीटर एक बोतल में एक लीटर आता है क्योंकि एक लीटर की बोतल है और जीएसटी का रेट आप बताएंगे एच कोड बताएंगे इसके बाद आप पैकिंग यूनिट तो आप होल सेलिंग करेंगे तो उसकी पैकिंग यूनिट क्या होगी कर्टेंस. एक कर्टेन में कितनी बोतलें होती हैं तो बारह बोतलें होती हैं अगर एक लीटर की बोतल है तो इसका प्राइस आप बता देंगे और बैच वाइज डिटेल आप यहाँ पर इनेबल कर देंगे इस ऑप्शन को और सेव कर देंगे इसी के साथ साथ अगर दो लीटर का जो आपका आइटम है मास्टर्ड को आ, कुकिंग ऑयल का तो उसमें आपकी कितनी क्वांटिटी जो है अल्टरनेट यूनिट बनती है तो देखिए बोतल आपकी मेन यूनिट है और यहाँ पर आपका कन्वर्जन फैक्टर जो है दो लीटर हो जाएगा क्योंकि दो लीटर की बोतल है और एक कर्टेन में चार ही बोतलें आती हैं दो लीटर की इसके बाद लास्ट है आपका हाफ के जी का सॉरी हाफ लीटर का तो यहाँ पर देखिए आइटम का नाम होगा मास्टर कुकिंग ऑयल फाइव हंड्रेड और बॉटल मेन यूनिट यूनिट लीटर हाफ लीटर आपने बता दिया और इसके बाद बत कर्टिन बता दिया कि एक कर्टिन में ट्वेंटी जो है बोटल आ जाती हैं बैच ऑप्शन आपने इनेबल कर दिया और सेव कर दिया अब आपके देखिए आइटम भी रेडी हो चुके हैं अब देखिए जब आप प्रोडक्शन करते हैं मास्टर्ड ऑयल का तो उसमें देखिए क्या होता है कि आपका वेस्ट मटेरियल भी निकलता है ठीक है बट आपका फाइनल प्रोडक्ट तो ये है जो आपने फिनिश गुड के अंडर में बनाया है बट वेस्ट मटेरियल है उसको भी आप सेल कर सकते हैं तो बाय प्रोडक्ट जनरेट में इसको बना देते हैं तो वेस्ट के अंडर में मैंने यहाँ पे मास्टर्ड वेस्ट भी बना दिया है चीज में ग्राम्स में

पहला बिल ऑफ मटेरियल है मेरा ऑयल को प्रोड्यूस करने का तो सबसे पहले हम क्या करेंगे तो सबसे पहले हम ऑयल रेडी करेंगे ठीक है तो मस्टर्ड ऑयल जो है हमारा उसकी मैन्युफैक्चरिंग का आप बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे ऐड करेंगे और ये विंडो आ जाएगी यहां पर आपको डिटेल एंटर करनी है जैसे की हुई है देखिए मेरे स्क्रीन पे तो बिल ऑफ मटेरियल का नाम क्या होगा यहां पर आप बता देंगे इसके बाद आइटम टू प्रोड्यूस तो कौन सा फिनिश गुड है मेरा तो फिनिश गुड जो मेरा है वो मस्टर्ड ऑयल है और एक लीटर मस्टर्ड ऑयल बनने के लिए प्रोड्यूस होने के लिए मस्टर्ड के जो सीड्स हैं वो मुझे कितने चाहिए रिक्वायर्ड कितने तो ढाई किलो टू एंड हाफ के जीस मुझे रिक्वायर्ड हैं इसके साथ साथ जब मैं ऑयल को बना लेता हूँ मेरा जो वेस्ट मटेरियल है वो भी जब भी बन जाता है तो वेस्ट जो मस्टर्ड वेस्ट है वो मेरा डेढ़ किलो होता है और एक किलो मेरा तेल निकल जाता है उसमें से इसके बाद जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है अब देखिए यहां तक आपकी जो है सेमी फिनिश गुड प्रोडक्ट रेडी हो चुका है अब आपका लास्ट में क्या करनी है आपको फाइनल प्रोडक्ट जनरेट करना फाइनल प्रोडक्ट जो है आपका पैकेजिंग है ठीक है अब पैकेजिंग कैसे तो एक लीटर की जो पैकिंग है पैकिंग वन लीटर मतलब वन थाउजेंड और यहां पर आपका जो रॉ मेटेरियल होगा फिनिश गुड जो होगा आपका वो आपने यहां पर सिलेक्ट कर लिया तो एक बोतल को बनाने के लिए एक बोतल फिनिश गुड जनरेट करने के लिए आपको रॉ मटेरियल क्या चाहिए तो मस्टर्ड ऑयल जो आपका सेमी गुड था वो यहां पर आप करेंगे क्वांटिटी बताएंगे और प्लास्टिक बोतल जो आपकी प्लास्टिक बोतल है वो आप यहाँ पर क्योंकि वो भी मेरा एक तरीके से रॉ मटेरियल है तो सेमी फिनिश गुड और रॉ मटेरियल दोनों को मिलकर मेरा फाइनल प्रोडक्ट जो है रेडी होगा ये मेरा दो लीटर के लिए हो गया और वो मेरा हाफ लीटर के लिए हो गया तो चार बिल ऑफ मटेरियल मैंने बना लिए हैं हैं आप देख सकते हैं मेरे आप मेरी मेरी स्क्रीन पे अब सारी कंफिग्रेशन और मास्टर पार्ट रेडी है अब मुझे सिर्फ उसकी ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड करनी है तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा परचेस करना होगा रॉ मटेरियल जब आप रॉ मटेरियल परचेस करेंगे आपका अवेलेबल होगा जब भी आप प्रोडक्शन कर पाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे परचेज की ट्रांजेक्शन एंटर करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ तो ये देखिए मैंने यहाँ परचेज की ट्रांजेक्शन एंटर कर लिया है डेट आप एंटर करेंगे पर्चेज टाइप बताएंगे वेंडर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बताएंगे प्लास्टिक बोतल जो आपने बोटल एमपीटी परचेज की है कितनी कितनी क्वांटिटी आपने परचेज की है उसकी परचेज आप ऐड कर लेंगे इसके बाद जो आपने मस्टर्ड के सीड खरीदे हैं वो भी आप यहाँ पर उसकी परचेज भी आप ऐड कर लेंगे आप देखिए रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है इसके बाद जैसे ही कोई कस्टमर आपको ऑर्डर देता है कि मुझे इतना तेल आपसे खरीदना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे उसकी प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग आप किस तरीके से करेंगे डिस्प्ले में जाते हैं और देखिए प्रोडक्शन की रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल है पहली रिपोर्ट है प्रोडक्शन प्लानिंग आप इसको एंटर करेंगे एंटर करने के बाद ये विंडो ओपन होगी यहाँ पर आपको जो कस्टमर है आपको ऑर्डर किस प्रोडक्ट का दे सपोज उसको दस हजार लीटर दस हजार बोतल तो ये खरीदनी है और दूसरी जो है दो लीटर की बोतलें भी दस हजार खरीदनी है तो इसमें आप मल्टीपल बिल ऑफ मटेरियल और आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं अब जैसे ही आप इसको ओके okay करते हैं और यहाँ पर आपको बताना होगा मटेरियल सेंटर ऑल और कंसिडर मल्टीपल लेवल क्योंकि दो लेवल में बन रहा है एक बार सेमी बन बन रहा है, बन रहा है है उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट और यहाँ पर आप एंटर एंटर करके ओके okay करेंगे तो देखिए आपके सामने लिस्ट आ जाएगी पूरी जो रिपोर्ट है इसमें आपको पता लगेगा कि कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है रॉ मटेरियल की कितनी अवेलेबल है और कितनी डेफिशिएंसी है तो सबसे पहले रॉ मेटेरियल देखते हैं तो देखिए रॉ मेटेरियल कितना अवेलेबल है आपके पास रिक्वायर्ड कितना है पहले रिक्वायर्ड देख लेते हैं तो जो एक लीटर की है वो आपको दस हजार बोतल चाहिए और दो लीटर की वो भी दस हजार बोतल चाहिए क्योंकि जो मेरे पास ऑर्डर आया है, वो दस हजार बोतलों का आया दस दस बीस हजार बोतलों का आया टोटल दस हजार एक लीटर की दस हजार दो लीटर की इसके बाद मस्टर्ड के सीड्स मुझे कितने चाहिए तो सीड्स मुझे इतने चाहिए और अवेलेबल कितने हैं जो सेकंड कॉलम उसमें आप आ, देख सकते हैं कि सात हजार दो सौ पचास तो अवेलेबल है बट डेफिशिएंसी कितनी है तो सिक्सटी सिक्स फाइव हंड्रेड के चीज इतनी डेफिशिएंसी मतलब मेरे पास जो रॉ मटेरियल है उसकी शॉर्टेज है अभी मेरे पास इतना रॉ मटेरियल नहीं है कि मैं प्रोडक्शन कर पाऊं तो देखिए इसी रिपोर्ट से आप F4 की प्रेस करके ऑर्डर भी जनरेट कर सकते हैं जैसे आप F4 की प्रेस करेंगे यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा जनरेट ऑर्डर ऑल आइटम आइटम या सिलेक्टेड ओके करेंगे इस विंडो में आप बताएंगे डेफिशिएंसी पूरी 100 परसेंट मुझे चाहिए ओके करेंगे और देखिए यहाँ परचेज ऑर्डर जो है ओपन हो जाएगा पार्टी सिलेक्ट करेंगे ओके कर देंगे आपका ऑर्डर जो है ई हो जाएगा अगर आपने ईमेल कंफिग्रेशन किए या फिर आप प्रिंट करके भेजना चाहते हैं तो प्रिंट करके भेज सकते हैं तो डायरेक्टली वेंडर को जो है ऑर्डर चला जाएगा और वो आपका माल जो है सेल कर देगा आपको और आपके पास जो स्टॉक है अवेलेबल हो जाएगा रॉ मटेरियल का अगर आप इसकी क्वांटिटी जो है कम करते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे हंड्रेड किया और एक ही आइटम ले, ले लेते हैं इसको हटा देते हैं तो जैसे कोई कस्टमर जो है वो ऑर्डर देता है कि सौ बोटले जो है उसे परचेस करनी है ओके करेंगे आप देखिए तो यहाँ पर आपके पास जो है फिनिश गुड जो है अवेलेबल है सेमी फिनिश गुड़ जो है अवेलेबल है ऑयल भी आपके पास रखा हुआ है और फिनिश गुड जो बनाना चाहते हैं आप उसके लिए बोटल जो लगेंगी आठ सौ अवेलेबल है सो ही चाहिए आपको तो कोई डेफिशिएंसी नहीं है अब आप प्रोडक्शन कर सकते हैं तो प्रोडक्शन प्लानिंग रिपोर्ट में आप ये देख सकते हैं कितना रॉ मेटेरियल रिक्वायर्ड है कितनी की आपको जरूरत है कितना अवेलेबल है अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है परचेज की ट्रांजेक्शन आपने कर ली और अब आप क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे अपनी प्रोडक्शन की ट्रांजेक्शन तो जैसे कि आपने मशीन में जो बीज हैं वो डाल दिए हैं और आपका फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने क्या किया है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे सेमी फिनिश गुड को रेडी करेंगे ठीक है तो सेमी फिनिश गुड को रेडी करने के लिए आप क्या करेंगे प्रोडक्शन वाउचर में जाएंगे ऐड करेंगे और किस डेट को आप प्रोडक्शन कर रहे हैं एंटर करेंगे इसके साथ साथ सबसे पहले आपको सेमी फिनिश गुड रेडी करना है सेमी फिनिश गुड क्या है आपका मास्टर्ड ऑइल मैनुफैक्चरिंग मस्टर्ड ऑयल जो बिल ऑफ क्रिएट किया था आप उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आप बताएंगे कि आपने कितनी क्वांटिटी जो है मस्टर्ड ऑयल की प्रोड्यूस की है तो मशीन में आपको पता लग जाएगा आप उसको तौल लेंगे, तौल के आपको पता लग जाएगा कितनी क्वांटिटी जो है प्रोड्यूस हुई है और यहाँ पर आप बताएंगे जैसे कि सौ लीटर जो है आपका जो ऑयल है वो प्रोड्यूस हो चुका है इसको आप ओके okay करेंगे कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगा है आपका कोई लेबर चार्जेस वगैरह यहाँ पर आप एड कर सकते हैं ओके okay करेंगे तो देखिए आपके पास जो आइटम है वो पिक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली उनकी क्वांटिटी भी पिक हो जाएगी तो देखिए मस्टर्ड ऑयल मस्टर्ड वेस्ट और मस्टर्ड सीड तीनों इन्फॉर्मेशन जो है मेरे पास आ चुकी है क्वांटिटी आ चुकी है प्राइस भी आ चुका है सारी डिटेल मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है ऑटोमेटिकली बिल ऑफ मटेरियल से तो देखिए जो क्वांटिटी आपकी जनरेट हुई है आइटम कौन सा जनरेट हुआ है तो मस्टर्ड ऑयल जनरेट हुआ है कितना सौ लीटर जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पर आपको बैच डिटेल एंटर करनी होगी मतलब मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डिटेल डालनी होगी बैच तो नंबर आपको मैनअली डालना होता है तो आप इसको बाउचर नंबर के तौर पर डाल सकते हैं और देखिए सौ लीटर आपका प्रोड्यूस हो चुका है मिली में कितना है वन लैख और एम आर पी की मेरा सेमी फिनिश गुड है इसलिए मुझे एम आर पी या सेल प्राइस नहीं मैनेज करना क्योंकि मैं पैकिंग के साथ बेचता हूं तो ये तो मेरा सेमी फिनिश गुड है इसलिए मैं एम आर पी और सेल प्राइस को स्किप कर सकता हूं इसके साथ साथ जो उसकी सेल्फ लाइफ मुझे बतानी है तो देखिए अप्रैल में अगर मैं इसको मैन्युफैक्चर करता हूँ तो इसकी एक्सपायरी कब तक रहेगी दिसंबर 2022 तक क्योंकि नौ मंथ का मैंने पीरियड आइटम मास्टर के अंदर बताया होगा ओके करेंगे और यहां पर देखिए नौ मंथ में आपको दिखा देता हूं तो नाइन मंथ मैंने बताया इसलिए अप्रैल टू तो दिसंबर की डेट जो है ऑटोमेटिकली आ चुकी है ओके करेंगे सेव कर देंगे आपकी प्रोडक्शन की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी अब देखिए बार कोड मुझे प्रिंट नहीं करने हैं इसके क्योंकि ये सिर्फ मैंने सेमी फिनिश गुड़ जो है बनाया इसको मैं नो कर दूंगा इसके बाद नौ तारीख को मैंने पैकिंग करी है। अब पैकिंग करी है पैकिंग है वो भी एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग है तो पैकिंग मैंने किस बॉटल में करी है तो पैकिंग करी है मैंने एक लीटर की बॉटल में मतलब वन थाउजेंड एमएल इसको मैं सिलेक्ट करूंगा ओके करूंगा और मैंने कितनी पचास जो बॉटल है वो रेडी कर दी है ओके करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मस्टर्ड कुकिंग ऑयल हंड्रेड सॉरी थाउजेंड एम एल एक लीटर जो है उसके जो फाइनल प्रोडक्ट है जो हमारा वो रेडी हो चुका है पचास बोटले जो है बन चुकी हैं एंटर करेंगे यहाँ पर आपको डिटेल डालनी होगी अपनी मैन्युफैक्चरिंग की तो बैच नंबर आप यहाँ एंटर करेंगे मैनुअली और अपनी एमआरपी डिसाइड करेंगे तो देखिए कॉस्टिंग आपकी कितनी लगी है अब यहाँ देख सकते हैं तो एक जो बॉटल है वो आपकी सिक्सटी सिक्स पॉइंट फिफ्टी में रेडी हुई है यहाँ पर आप एम चाहे बता सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे एम बता दिया है ढाई रुपए और सेल प्राइस बता दूंगा दो सौ दस रुपए इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में अप्रैल में कर रहा हूँ तो एक्सपायरी डेट जो है आपकी नाइन मंथ के बाद दिसंबर यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगी आप इसको मैनुअली चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हैं चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा तो जो मंथ है उसका नंबर आप बताएंगे जैसे कि अगर जनवरी 2023 मुझे डालना है तो मैं 1.23 पॉइंट यहाँ पर एंटर करूंगा तो देखिए जनवरी 2023 हजार एक्सपायर डेट आ जाएगी ओके okay करेंगे लीटर में क्वांटिटी आ चुकी है और इसके बाद देखिए जो मुझे आइटम कंज्यूम करना है उसका बैच भी मुझे एडजस्ट करना है तो किस बैच जो अगर मेरे पास मल्टीपल बैच के रेफरेंसेज हैं कि मैंने जो रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है उसके बैच नंबर कौन सा उसकी मैं डिटेल यहाँ पर एडजस्ट करूंगा कि ये मैंने कब जनरेट किया था रॉ फिर सेमी फिनिश गुड सेव करेंगे आप देखिए जैसे आप सेव करेंगे प्रिंट बार कोड की आपकी ऑप्शन जो आ जाएगी यस करेंगे और ओके करके आप बार कोड को प्रिंट कर लेंगे इसको आप बॉटल पे चिपकाना चाहें चिपका सकते हैं फिर देखिए कंपनी का नाम आ गया और बैच की डिटेल यहाँ पर आ चुकी है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट एमआरपी इसके बाद लास्ट आपका रहता है सेल्स का तो देखिए आप सेल किस तरीके से करेंगे तो अब मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है मैन्युफैक्चरिंग के बाद आप क्या करेंगे डिस्प्ले में आप प्रोडक्शन की रिपोर्ट रिपोर्ट देख सकते हैं प्रोडक्शन में बाउचरवाइज हमरी रिपोर्ट आपको मिल जाती है इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कितनी आपने क्वांटिटी जनरेट करी है फिनिश गुड की और कितना कंज्यूम किया है रॉ मटेरियल ये देखिए डिटेल आ रही है इसको एंटर करते हैं तो पूरा वाउचर भी आपका ओपन हो जाएगा इसके साथ साथ समरी आपको देखनी है तो समरी भी देख सकते हैं प्रोडक्शन वाउचर की ऑल मटेरियल टोटल आपने इस डेट में कितना मस्टर्ड ऑयल जो है प्रोड्यूस किया है बारह सो लीटर आपने प्रोड्यूस किया है एक लीटर की कितनी बोतल बनाई है दो लीटर कितनी बनाई है और पांच सौ एम एल की कितनी बनाई है कितना रॉ रॉमल कंज्यूम है यहाँ पे डिटेल सारी आ रही है और इसके साथ साथ और भी रिपोर्ट्स आप देखना चाहें देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपोजिशन की देखिए और प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन की तो ये रिपोर्ट आपके पास शो हो जाती हैं, स्टॉक की रिपोर्ट आप देख सकते हैं स्टॉक स्टेटस में जाके यहाँ पर देखिए बैलेंस ओनली में आप ऑल यूनिट बोथ यूनिट और पैकेजिंग यूनिट के साथ देख सकते हैं तो कितनी स्टॉक आपके पास अवेलेबल है जो मेरे फिनिश गुड है आप देख सकते हैं अगर मैं सिर्फ खाली फिनिश गुड को फिल्टर करता हूँ तो मैं ग्रुप ऑफ आइटम लेके फिनिश गुड यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ और देखिए जो मेरे पास तीनों पैकिंग आइटम है एक लीटर में दो लीटर में और पाँच सौ एम एल में पैकिजिंग यूनिट में मेरी कितनी क्वांटिटी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो तेरह करटेन मेरे पास अवेलेबल हैं और जो इसके एक लीटर के दो लीटर के आठ हैं और 500 सौ की जो बोतलें हैं जो हाफ लीटर की बोतलें हैं वो छह करटे अवेलेबल है सोलह बोतल जो अलग से हैं। टोटल जो मेरी बोटल कितनी है लीटर में कितना माल है आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद ये मेरी सारी रिपोर्ट्स आपके पास अवेलेबल हो गई इसके बाद आप रिपोर्ट व्यू करने के बाद अपनी उसको आप सिलेक्ट करने के बाद कर, मटेरियल सेंटर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आइटम बताएंगे तो आपका जो फिनिश गुड आइटम है क्या आप बेच रहे हैं आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और कितने कार्टे या कितनी बॉटल्स आपको बेचनी है यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे यूनिट क्वांटिटी और बैच की जो डिटेल है तो देखिए यहां पर आपके पास बैच की डिटेल आ रही है कि आप कस्टमर को जो माल बेच रहे हैं वो कौन से बैच नंबर का माल बेच रहे हैं और उसकी एक्सपायरी डिटेल क्या है तो जैसे कि अगर आप पहले वाला बैच बेच रहे हैं इसको आप ओके करेंगे और आप सेव कर देंगे ओके okay कर देंगे और आपकी सेल जो है कंप्लीट हो जाएगी टैक्स अप्लाई कर देते हैं सेव किया ओके okay किया और ये देखिए आपका इनवॉइस जो है वो प्रिंट हो जाएगा तो स्टैंडर्ड में आपका प्रिंटिंग है इसमें आप बैच की डिटेल प्रिंट करना चाहें वो भी कर सकते हैं ये देखिए आइटम के नीचे और एडवांस में डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है तो एडवांस फॉर्मेट में ये मेरा एडवांस फॉर्मेट है यहां पर आप जैसे भी चाहें चाहें की डिटेल प्रिंट करना चाहें कर सकते हैं इसके साथ साथ अगर आप एक्सपायरी माल बेचते हैं तो आपको वार्निंग शो कर देगा बिजी मैं आपको दिखाता हूं जैसे कि अगर मैं एक जनवरी को माल बेच रहा हूं और मैंने यहां पे एक कर्टिन बेचा जिसकी एक्सपायरी डेट आप देख सकते हैं दिसंबर 2022 हजार बाईस है और मैं बिल बना रहा हूँ एक जनवरी 2023 को आप सिलेक्ट करेंगे आपके सामने वार्निंग आ जाएगी इससे आप मिस्टेक जो है आपकी वो स्टॉप भी आप कर सकते हैं रोक सकते हैं कि आप एक्सपायर माल बेच रहे हैं एक्सपायर माल मत बेचिए ठीक है तो इस तरीके से वार्निंग भी आपको मिल जाएगी और एक्सपायर बैचेस की रिपोर्ट जो है वो भी आप देख सकते हैं तो आपको जाना होगा बैच वाइज रिपोर्ट्स में एक्सपायर बैचेस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेट जैसे 31, 12 तक कितने जो एक्सपायर हैं है। तो ये डिटेल आ रही है आइटम की कितना माल आपका एक्सपायर होने वाला है कब प्रोड्यूस हुआ था डिटेल्स आपके सामने शो हो रही हैं तो ये रिपोर्ट है आप व्यू कर सकते हैं बैच वाइज स्टॉक में आपको ये रिपोर्टें मिल जाती हैं किसी पर्टिकुलर आइटम की देखना चाहते हैं तो उस आइटम की भी आपको डिटेल दिख जाएगी कितना बैच आपके पास अवेलेबल है तो इस तरीके से आप रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं अपने डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जिसमें मैंने आपको करके दिखाया इसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर वाली कंपनी है, है, तो है तो आपको दिखाई वो आपको करनी होगी अगर आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप क्या क्या प्रोसेस जो है फॉलो कर सकते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप में आप क्या क्या करेंगे तो सबसे पहले कंपनी क्रिएट करने के बाद कन्फिग्रेशन में जाएंगे और फ्यूचर ऑप्शन में जाके आप इन्वेंट्री में जाएंगे और देखिए पैकिंग यूनिट जो यूनिट है इनको आप इनेबल कर लेंगे गोडाउन आप इनेबल कर सकते हैं और यहाँ पर आप ऑर्डर मैनेज करना चाहते हैं, कर हैं जरूरत नहीं है इसके बाद आपको आइटम्स रेडी करने होंगे तो आइटम क्रिएट करने होंगे मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ तो ये मेरी लिस्ट है आइटम की तो यहाँ पर भी मैं ऑयल का ही एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ तो देखिए मेरे पास चार तरीके के ऑयल्स अवेलेबल हैं कोकोनट मस्टर्ड ऑयल पीनट और सोयाबीन ये मेरे पास आइटम रहते हैं जिनकी मैं ट्रेडिंग करता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ और इनमें मेरे पास जो पैकेजिंग है वो भी आप देख सकते हैं तो एक लीटर में दो लीटर में और हाफ लीटर में मेरे पास ये आइटम अवेलेबल है जब आप ये आइटम क्रिएट करेंगे तो आपको बैच वाइज फीचर को इनेबल करना होगा आइटम के अंदर भी और यूनिट बतानी होगी मेन यूनिट क्या है बॉटल अल्टरनेट यूनिट लीटर है और जो पैकेजिंग यूनिट है वो कार्टेन है तो इस तरीके से आप तीनों यूनिट जो है डिफाइन कर सकते हैं सेल प्राइस प्राइस जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं और बैच वाइज ऑप्शन इस ऑप्शन को आपको इनेबल करना होगा डेट आपको दोनों मेंटेन करनी है एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग बोथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं तो इस तरीके से आप आइटम क्रिएट कर सकते हैं और पार्टीज अपनी क्रिएट करेंगे जिनको आप बेचते हैं कस्टमर हो गए चाहे आपके वेंडर हो गए तो आपको यहां पर क्या है मैन्युफैक्चरिंग के लिए जैसे बिल ऑफ मटेरियल बनाते थे वो बनाने की जरूरत नहीं है सिर्फ अपने आइटम और पार्टीज क्रिएट की, की और अपनी ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पर आपको बार कोड लेबल भी डिजाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी ऑलरेडी प्रिंट होकर आएगा तो उसको भी आप जो है स्किप कर सकते हैं उस पार्ट को भी अब इसके बाद देखिए परचेज की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो परचेज की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आप ऐड करेंगे वाउचर को और यहाँ पर पार्टी अपनी सिलेक्ट करेंगे आइटम जो है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे क्वांटिटी बताएंगे और बैच नंबर आपको मैनुअल डालना होगा तो सी सी ओन थाउजेंड एट ये मेरा बैच नंबर है परचेस करेंगे जब आप करेंगे तो आपको पता लगेगा यहाँ पर आप बॉटल बताएंगे कितनी बॉटल्स हैं तो देखिए जैसे मैं परचेस कर रहा हूँ तो मैं कर्टेन्स में परचेस कर रहा हूँ क्योंकि मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ बॉटल्स बताएंगे एक कार्टेन में कितनी बॉटल्स हैं तो टोटल दस में कितनी होगी तो बारह बोटल है सपोज आपके एक में तो सौ बीस आपकी बोटल होगी लीटर एम आर पी आप अपनी बता देंगे तो जैसे कि अगर एम आर पी है तीन सौ चालीस रुपए क्या है यहाँ पर आप वो भी बताएंगे सेल प्राइस सपोज आपका ये दो सौ नब्बे रुपए इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डिटेल आपने बताएंगे यहाँ पर आपका जो तरीका है वो सेम है कि मंथ और ईयर आपको डालना है तो जैसे कि अप्रैल की जगह मैं मार्च 2022 डालना चाहता हूँ तो तीन डॉट बाईस मैं टाइप करूंगा ये देखिए आ जाएगी और एक्सपायरी डेट भी आप रखना चाहते हैं जैसे ही रख सकते हैं एंटर करेंगे एक्सपायरी डेट भी आ जाएगी ओके करेंगे प्राइस अपना मेंशन करेंगे और कोई दूसरा आइटम ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर लेंगे और उसको सेव कर लेंगे तो आपकी परचेज ट्रांजेक्शन आप कंप्लीट करेंगे इसके बाद अपनी रिपोर्ट आप देख सकते हो तो डिस्प्ले में जाएंगे यहाँ पर आप स्टॉक की रिपोर्ट देख सकते हैं बैलेंस ओनली या डिटेल कितनी स्टॉक आपके पास अवेलेबल है आपके प्रोडाउन में आपके स्टोर में ये देखिए पैकिंग अल्टरनेट और मेन तीनों में स्टॉक जो है आपके पास आ रही है इसके बाद बैच वाइज स्टॉक आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं तो उसके लिए बैच वाइज रिपोर्ट में जाएंगे

तो ये मैंने फेवरेट में भी ऐड की हुई है रिपोर्ट्स कुछ तो आप डायरेक्टली फेवरेट से भी रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं अब मैं अपनी सेल्स ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूंगा तो सेल्स की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है या तो मैं स्टैंडर्ड या फिर पॉइंट ऑफ सेल कन्फिगर कर सकता हूँ स्टैंडर्ड तो आपकी बाय डिफॉल्ट कन्फिगर रहती है पॉइंट ऑफ सेल आप कर आपको कन्फिगर करनी है तो कन्फिग्रेशन में जाएंगे वाउचर सीरीज सील में और वाउचर ऑफ में जाके इनेबल कर लेंगे ऑप्शन इनेबल एडवांस पॉइंट ऑफ सेल डाटा एंट्री इसके बाद आप कन्फिगर बटन पे क्लिक करेंगे और अपने फ़ील्ड्स को फिक्स करेंगे मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं आप इस तरीके से फील्ड को एक्सपर्ट कर सकते हैं इसके बाद सेव कर लेंगे कन्फिग्रेशन और देखिए पॉइंट ऑफ सेल में अपनी ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं तो ये मेरा पॉइंट ऑफ सेल वाउचर है यहाँ अपनी डेट एंटर करता हूँ फर्स्ट पार्टी अपनी बताएंगे अगर कैश कस्टमर है उसका नाम वगैरह आप एंटर करना चाहते हैं कर सकते हैं इसके बाद आपको आइटम बताना होगा कौन सा आइटम बेच रहे हैं और आप स्कैन करके अगर बिलिंग करना चाहते हैं तो आप बैच नंबर जो है उसका बार स्कैन करेंगे आपका आइटम जो ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा यहाँ देखिए यह मैंने एडजस्ट कर लिया बैच अगर करूंगा, तो मेरे पास वो नहीं आ जाएगी सेव करेंगे ट्रांजेक्शन को और देखिए लास्ट में आपका जो इनवॉइस है वो आपका प्रिंट हो जाएगा तो स्टैंडर्ड एंड एडवांस दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं आप डिजाइन कर सकते हैं फॉर्मेट तो ये मेरा एडवांस फॉर्मेट है जहाँ पे देखिए कॉलम भी शो हो रहे हैं बैच के मैन्यक्चरिंग एक्सपायरी के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जाते हैं तो उसमें प्रिंटिंग करा सकते हैं तो इस तरीके से अपने डाटा को आप मैनेज कर सकते हैं जितनी भी ट्रांजेक्शन आप रिपोर्ट करेंगे रिकॉर्ड करेंगे इसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है आप देख सकते हैं तो एम रिपोर्ट में आपको दिखाता हूँ तो सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट में बैच वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं किसी पर्टिकुलर बैच पे आपको प्रॉफिट देखना हो तो ये देखिए आइटम पे आपको प्रॉफिट देखना है तो आइटम पे प्रॉफिट आप देख सकते हैं किस आइटम पे कितना ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है लास्ट के दो कॉलम में आपको ये शो जाएगा प्रॉफिट के अमाउंट और प्रॉफिट का रेशियो इसके साथ साथ सेल्स एनालिसिस आप देख सकते हैं क्वार्टरली मंथली या डेट वाइज ग्राफिकली रिपोर्ट आपको मिल जाएगी ये देखिए किस मंथ में कितनी सेल है क्वार्टर वाइज देखना चाहते हैं क्वार्टर वाइज भी देख सकते हैं तो ये सारी रिपोर्ट आपके अवेलेबल हो जाती है इसके साथ साथ आप कॉलमनार या कस्टम कॉलम uh, ऑप्शन से रिपोर्ट को कस्टमाइज uh, भी कर सकते हैं अपने report, अपनी रिपोर्ट अपनी अकॉर्डिंग ही जनरेट कर सकते हैं तो इस तरीके से आप फूड्स एंड बेवरेज इंडस्ट्री में बिजी को यूज कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो या ट्रेडर हो आप और आप मैन्युफैक्चरिंग डेट्स और एक्सपायरी डेट अपनी मैनेज कर सकते हैं एक्सपायरी सेल को रोक भी सकते हैं स्टॉप भी कर सकते हैं तो ये सारे फीचर्स जो मैंने आपको वन बाय वन करके दिखाए हैं आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आपने इंजॉय किया होगा आज का अच्छा वेबिनार सारे ऑप्शन सारे फीचर आपको इजिली समझ में आए होंगे रिकॉर्डिंग जो है आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर नेक्स्ट वीक में मंडे के बाद आप सर्च करेंगे और यूट्यूब पर आप इस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं हाउ टू मैनेज बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन फूड्स एंड बेवरेज इंडस्ट्री फर्दर क्वेरीज के लिए आप हमारे हेल्प डेस्क नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फाइव टाइम एट टू आप डायल कर सकते हैं और हमारी सपोर्ट ई मेल आई डी है सपोर्ट एट द रेट बिजी डॉट इन इस पर भी आप ई मेल कर सकते हैं और हमारे वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चैनल का नेम है थैंक यू वेबिनार अटेंड करने के लिए आपका धन्यवाद